श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे तीन राशि की महिलाओं के बारे में जो पुरुषों को अपने सामने झुका देती है। तो कोशिश कीजिएगा बच के रहने की इन तीन राशि की औरतों के साथ। एक नारीवादी विचारधारा है। वर्तमान दौर की बात करें तो आप खुद ये देख सकते हैं कि नारीवादी विचारधारा इतनी तेजी से अपने आसपास के माहौल में बसने लगी है, जिसे देखो वो महिलाओं और पुरुषों के बीच तुलना कर रहा है और इस तुलना की कोशिश ये भी की जा रही है कि महिलाओं के ऊपर रखा जाए। मतलब इस तुलना में कोशिश ये की जा रही है कि महिलाओं को ऊपर रखा जाए मर्दों से। और एनीवेज आज की जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, अच्छा खासा डेवलप कर रही हैं, तो जो डेवलप कर रही हैं उन्हें ऊपर रहने का हक भी है। बनिस्पत जो मर्द लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसके अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं हूँ। कुछ तो उनके प्राकृतिक अधिकार हैं। एक बात मुझे भी समझ में नहीं आती कि हम या महिलाओं को उनका स्थान या उनका अधिकार देने वाले होते कौन हैं। हम सब तो ईश्वर की संतान है, तो हम सब बराबर हैं। ये मर्द लोग हैं जो ऊपर या नीचे वाली स्थान निश्चित करते चले आ रहे हैं काफ़ी सालों से। ये अधिकार उनके पास प्राकृतिक है, महिलाओं के पास, जिसे छीनने या प्रदान करने का अधिकार किसी मनुष्य के पास नहीं है, हमारे पास या आपके पास नहीं है। महिलाओं के विषय में एक आम धारणा ये मान ली गई है कि वे पुरुषों से आगे बढ़ना चाहती हैं। हालांकि कुछ हद तक यह सही भी होगी, लेकिन ऐसी सोच हर स्त्री की हो यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन पुरुषों की मानसिकता यहीं आकर समाप्त हो जाती है कि वे अपने से ज़्यादा स्मार्ट या आत्मविश्वासी स्त्री के साथ नहीं रह सकते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, हमारे खास करके हिंदुस्तान में, और सब जगह भी है, हमारे यहाँ भी है। हम तो सिर्फ अपने देश की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो मानेंगे। कुछ पुरुषों के यदि छोड़ दिया जाए तो अधिकांशतः पुरुष महिलाओं के भीतर मौजूद आत्मविश्वास और उनकी स्वतंत्र मानसिकता से परेशानी महसूस करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अगर आप भी उन्हीं पुरुषों में शामिल हैं तो फिर ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगा, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपके समक्ष उन राशियों को लेकर आए हैं जिनसे संबंधित महिलाएं आपसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट और आत्मविश्वासी होती हैं। अगर आप वाकई अपनी सोच को लेकर गंभीर हैं तो फिर आपको इन राशि के महिलाओं से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। अगर आप मतलब पुरुषवाद हैं, तो मतलब समझिए पुरुषों को हमेशा ऊपर रखना चाहते हैं, तो उनके लिए खास करके है। एक तो मेष राशि की स्त्री है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है मेष राशि की महिलाओं का। इनकी नज़रें बहुत तेज होती है और ये पूरी कोशिश करती है कि वे सामने वाले को विश्वास जीत कर उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए। मेष राशि की स्त्रियों के भीतर स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने की क्षमता होती है और वे अपने इस खूबी पर बहुत गर्व करती है और होनी भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं। मेष राशि की स्त्रियां अपने हाथ में जो भी काम लेती है उसे पूरा करने के बाद ही दम लेती है। उन्हें गंभीर मामलों को सुलझाना और अपनी राय रखना बहुत पसंद होता है। उनके अंदर किसी प्रकार का कोई कपाट नहीं होता, कोई कपट नहीं होता। उनके भीतर बहुत गुस्सा होता है लेकिन वो लंबे समय तक कायम नहीं रह पाता है। आत्मविश्वास इन्हें जिंदगी की कठिनाइयों से उबार देता है। उसके बाद दूसरी है वृश्चिक राशि, जिसकी स्त्रियों के भीतर स्त्रीत्व बहुत ज्यादा होती है, लेकिन समय पड़ने पर वो पुरुषों की तरह सख्त व्यवहार भी कर सकती है। अपने इस खूबी को वे बहुत अच्छी तरह से जानती भी हैं और ये खूबी उन्हें अन्य महिलाओं से विशेष बना देती है, उनसे अलग बना देती है। वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं, किसी को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगाती है, इसलिए दोस्ती या दुश्मनी बहुत सोच समझ कर करती है।
लोगों की वास्तविक नियत पहचानना इनके बाएं हाथ का खेल है। वृश्चिक राशि के महिलाओं की बड़ी खासियत या कमी कह लीजिए, कमी होती है उनका ऋष्यालु स्वभाव, जिसके चलते वे किसी से बदला लेने से भी नहीं चूकती है। ये अपनी छोटी से छोटी भूल या गलती को भी कभी स्वीकार नहीं करती है। हालांकि इसे खासियत के लिए या माइनस पॉइंट ही कीजिए। उसके बाद है मेष राशि, सॉरी मकर राशि, तीसरी और आखिरी राशि है मकर। इस राशि की स्त्रियां बचपन से सचेत रहती हैं। ये बहुत शांत और गंभीर स्वभाव की स्त्रियां हैं, जो बेवकूफ़ी वाली बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। इनके पास ज़्यादा दोस्त नहीं होते और ना ही ये बहुत ज़्यादा भावुक होती हैं। इन्हें बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। इनकी जिद के आगे कोई नहीं ठहरता। पुरुष चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, मकर राशि की महिलाएं उन्हें अपने सामने झुका ही देती हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।